ओके, तो आज हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने का. मींस द टॉपिक विच वी हैव टू रीड इज प्रिवेंटिंग पॉइजनिंग. इन प्रीवियस क्लास वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट एड विच वुड बी गिवेन ड्यूरिंग द स्नेक बाइट, ड्यूरिंग सिंपल बर्न, ड्यूरिंग सेवर बर्न. मीन्स इन वेरियस कंडीशंस विच टाइप ऑफ फर्स्ट एड वी शुड गिव टू द इंजर्ड पर्सन वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन प्रीवियस पार्ट इन प्रीवियस क्लास. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉइजनिंग एंड टू प्रिवेंट पॉइजनिंग. प्रीवियसली वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग द पॉइजनिंग. मीन्स व्हाट विल वी डू If any person is injured by a snake bite. Today we will discuss about the prevention of poisoning. So poisoning not only a snake bite से ही होगा, different different chemical substance से हो सकता है. भाई chemical substance का मतलब क्या होना, खराब होना, हम लोग के लिए harmful होना, that is called poisoning. अब देखो जैसे मान लो कि हमारे घर में बस यदि दवा वगैरह मेडिसिन वगैरह या सिरप वगैरह बहुत दिन से पड़ा हुआ है, कोई डेट उसका डेट एक्सपायर कर गया है फिर भी वो घर में पड़ा हुआ है और यदि कोई उसको पूरा पी जाता है तो क्या होगा, वो हार्म पहुंचाएगा बॉडी को, वो हम लोग के लिए पॉइजन है. सो वी शुड कीप अवे द मेडिसिन विच हैज पास्ड इट्स एक्सपायरी डेट. जिसका एक्सपायरी डेट ये खत्म हो गया है उसको वो क्या करना चाहिए, घर से फेंक देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए वे सारे मेडिसिन को. ठीक है, क्योंकि बच्चा तो नहीं पता ना, हम लोग को मान लो पता है क्या जो मेडिसिन खराब है इसका डेट एक्सपायर कर गया इसको नहीं है, बट छोटा बच्चा को क्या पता, वो तो कहीं गलती से लेकर पी गया तो फिर. इसलिए बच्चों के दूर से क्या, बच्चों के से क्या करेंगे हम लोग, दूर रखेंगे मेडिसिन वगैरह को जो एक्सपायरी डेट वाला है या फिर किसी भी तरह का. देखेंगे कि हम लोग घर में वो नेफ्थलीन बॉल यूज करते हैं, नेफ्थलीन बॉल होता है छोटा सा, नेफ्थलीन बॉल जनरली कपड़ा वगैरह में रोडेंट्स वगैरह को भगाने के लिए, चूहा वगैरह को, ये सबको दूर रखने के लिए रखा जाता है. तो नेफ्थलीन बॉल को देखेंगे घर में इधर उधर ना फेंका हुआ रहे, बच्चे उसके कॉन्टेक्ट में ना जाए, मीन्स स्मॉल चिल्ड्रन जो है उसके आस पास ना रहे हैं, क्योंकि वो हार्मफुल होता है, हार्म पहुंचाएगा यदि बच्चा उसको गलती से भी माउथ में डाल देता है तो. इन केस ऑफ पॉइजनिंग किसी पर्सन, कोई पर्सन यदि कोई पॉइजनस चीज कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग उसको ये करेंगे कि वो वोमिट कर दे, उल्टी कर दे, वोमिटिंग कर दे, वोमिटिंग करा देंगे और इमेडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे. ठीक है, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके. आफ्टर देन हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉज ऑफ फायर, आग कैसे लगता है, आग लगने का कारण क्या है और एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट फायर, आग लगता कैसे है और आग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. तो भाई सिंपल सी बात है, आग लगता है केयरलेसनेस से. अब तेज बनने के लिए माचिस ले रहे हो या फिर माचिस लिए ऐसे लेकर खेल रहे हो, माचिस से खेल रहे हो, गलती से माचिस जलाकर और फेंके कहीं और वहां पर जो है कंबसेबल सब्सटेंस है, मतलब कोई ज्वलनशील पदार्थ है जो तेजी से फायर कैच कर ले, तो वो क्या होगा, जलने लगेगा, जलेगा तो कहीं जल्दी जल्दी में बढ़ के आग लग सकता है. तो केयरलेसनेस नहीं करेंगे, मीन्स थोड़ा सावधानी बरतेंगे, अदरवाइज केयरलेसनेस होगा तो फॉरेस्ट ये फायर लग सकता है, आग लग सकता है. इट मीन्स
केयरलेसनेस व्हाइल बर्निंग मैचस्टिक और लाइटर, लाइटर वगैरह या मैचस्टिक वगैरह जलाने टाइम जो हम लोग केयरलेसनेस करते हैं उसके कारण जो है आग लगने का संभावना होता है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह में किसी भी तरह का फॉल्ट होता है तो देखते हो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट से इतना टेम्परेचर रिलीज होता है कि वो टेम्परेचर जो है वायर को जला देता है, वायर से वायर जलेगा तो फिर उसके आसपास में जो जलने वाला सब्सटेंस होगा वो जल जाएगा, उससे वो और आग जो है फैल सकता है। तो इसलिए ये सारा चीज जो है हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़ा ध्यान देंगे कि हाँ ये सब ना हो। मतलब कहने का सिंपली यदि बात करेंगे आग लगता है कैसे, तो सिंपली केयरलेसनेस वाइल बर्निंग मैचस्टिक लाइटर या फिर हम लोग गैस ही जला रहे हैं, किचन में गैस जला रहे हैं और उस समय जो है सावधानी नहीं है, देख रहे हैं लीक कर रहा है कहीं और जला दिए तो बस समझ ही रहे हो क्या होगा। तो ये सब कॉजेज हैं फायर लगने के। अब मान लो कि आग ना लगे उसके लिए करना क्या चाहिए हम लोग को, तो करेंगे क्या, कुछ नहीं भाई, प्रिवेंशन करेंगे, प्रिकॉशन करेंगे, सावधानी बरतेंगे। हाँ सावधानी बरतेंगे तो आग नहीं लगेगा, जो केयरलेसनेस हो रहा था वो केयरलेसनेस नहीं करेंगे, ध्यान से कोई भी काम करेंगे, आग से रिलेटेड जो भी कुछ होगा उसको थोड़ा सतर्क होकर थोड़ा जो है कॉन्शियस होकर करेंगे ताकि जो है आग ना लगे, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं प्रिकॉशन के लिए, फायर से प्रिकॉशन के लिए। तो डू नॉट प्ले विथ मैचेस और लाइटर, माचिस से तुम लोग खेलते हो वो काम नहीं करना है, लाइटर जलाते हो मतलब लाइटर मैचस्टिक ये सब जो मतलब आग लगने वाला चीज से मजाक नहीं, ठीक है। बोला जाता है ना आग पानी और हथियार और चाकू वगैरह ये सब से मजाक नहीं, क्योंकि वो कभी भी खतरनाक हो सकता है। यदि किचन में जा रहे हो ठीक है, तो किचन में नायलन का कपड़ा या सिंथेटिक फाइबर वाला कपड़ा जो है, सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा पहनकर किचन में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है इजिली फायर कैच कर लेता है, आसानी से फायर कैच कर लेता है, आग लग सकता है बॉडी में तुम्हारे। इसलिए किचन में जो है नायलन का कपड़ा पहनकर नहीं जाना चाहिए, हम लोगों को पहनकर जाना चाहिए कैसा कपड़ा, कॉटन का कपड़ा पहनकर जाना चाहिए, ठीक है। कॉटन क्लॉथ पहनकर जाएंगे यदि तो वो जो है क्या बोलते हैं जल्दी जो है क्या बोलते हैं हीट को ये नहीं करता है, कैप्चर नहीं करता है, कैच नहीं करता है, तो आग लगने का संभावना कम रहेगा, ठीक है। इट मींस कहने का कि हम लोगों को नायलॉन और सिंथेटिक फाइबर के बजाय कैसा कपड़ा पहन कर जाना चाहिए किचन वगैरह में, कॉटन क्लॉथ पहन कर जाना चाहिए, ओके, टू प्रिवेंट फायर। आफ्टर देन देख रहे हैं हम लोग की और क्या करना चाहिए, तो जब आग कहीं घर में लगा हुआ है, कहीं भी लगा हुआ है, घर में बाहर में कहीं भी लगा हुआ है, यदि तुम्हें पता है कि हाँ वो आग इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के कारण लगा हुआ है, तो उस आग को बुझाते टाइम एक्सटिंग्यूश करते टाइम वी शुड नॉट यूज वाटर। यदि वाटर यूज करोगे तो वो जो है कंडक्शन होगा, वो हार्म पहुंचाएगा, ठीक है, आग तो बुझेगा नहीं मगर और डेंजरस हो जाएगा। सो वी शुड नॉट यूज वाटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। वी शुड यूज सैंड और सॉयल वगैरह वगैरह ये सब, सैंड यूज करना चाहिए, सॉयल यूज करना चाहिए, ये सारा चीज यूज करना चाहिए उसको बुझाने के लिए व्हेन द फायर इज कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। जब इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट के कारण यदि आग वगैरह लगा हुआ है तो उसको पानी से नहीं बुझाएंगे हम लोग, किसी से बुझाएंगे, मिट्टी से या फिर बालू से, ओके। अब यदि आग लगा है पेट्रोल से, ठीक है, या फिर डीजल से, तो पेट्रोल से यदि आग लगा हुआ है, ठीक है, पेट्रोल डीजल किरोसिन ऑयल ये सब से जब आग लगा हुआ है तो हम लोगों को उस आग को पानी से नहीं मिटाना चाहिए, बुझाना चाहिए, पानी यूज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो वाटर ऑन दैट बिकॉज वी ऑल नो कि क्या होगा कि पानी से हल्का होता है ये, ठीक है, अब क्या होगा फ्लोट करने लगेगा ऊपर, इस कारण से क्या होगा आग बुझेगा नहीं। हम लोगों को इसको बुझाते टाइम क्या यूज करना चाहिए, तो बालू यूज करना चाहिए या फिर मड यूज करना चाहिए, या तो सैंड या तो कीचड़, ओके, क्यों, तो क्योंकि हम लोगों को जब ये क्या करेंगे पेट्रोल से लगा हुआ आग बुझाएंगे तो पेट्रोल हम लोग जानते हैं कि वाटर से क्या होता है हल्का होता है, वो वाटर के ऊपर तैरने लगेगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग जो है क्या करेंगे ड्यूरिंग द
फायर कॉज ड्यू टू व्हाट पेट्रोल वी शुड यूज सैंड और मड टू एक्सटिंग्विश दैट फायर ओके टू पुट ऑफ द फायर आग बुझाने के लिए आग बुझाना मतलब होता है आग बुझाना को इंग्लिश में या तो पुट ऑफ बोल सकते हो या फिर एक्सटिंग्विश बोल सकते हो ओके या तो पुट ऑफ या फिर एक्सटिंग्विश आफ्टर देन यदि मान लो कि तुम्हारा तुम कपड़ा पहने हो और ठीक है कपड़ा पहने और इस कपड़ा में यदि आग लग गया हो तो क्या करोगे भागना शुरू कर दोगे अरे भाई भागने से आग बुझने जा रहा है नहीं भागेंगे नहीं क्या करेंगे आग बुझाएंगे आराम से जो है कपड़ा में आग लगा हुआ जमीन पर लेट जाएंगे और रोल करेंगे घुलटेंगे ठीक है तब तक घुलटेंगे जब तक आग बुझ न जाए ठीक है और जैसे ही आग बुझ जाएगा तो फिर आराम से तुम आराम दौड़ो या कुछ भी करो ओके सो इन दिस वे आवर फोर्थ चैप्टर गेट फिनिश्ड इन नेक्स्ट डिस्कशन वी विल रीड द फिफ्थ चैप्टर ऑफ साइंस ओके इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू मे आस्क योर डाउट इमीडिएटली इट विल बी सॉल्व ओके